मुंबई में बीजेपी ने महाराष्ट्र की जीत का विजय उत्सव मनाया। ओम माथुर का पारंपरिक अंदाज में स्वागत, विधायक सांसद और तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। शिवसेना की विधायक दल की बैठक खत्म, विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ा नेता का चयन का फैसला। उद्धव ने कहा हर स्थिति के लिए तैयार रहे विधायक। संजय राउत ने कहा जनता को धन्यवाद, ज्ञापन और नेता के चयन के लिए ही बैठक थी। बीजेपी के समर्थन पर रही हुई चर्चा, बोले सब कुछ वक्त आने पर बताया जाएगा। मुंबई में एनसीपी ने की विधायक दल की बैठक, अजीत पवार को चुना गया विधायक दल का नेता। विधायक दल की बैठक में बोले शरद पवार, महाराष्ट्र के विकास और स्थिरता के लिए किया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। पवार ने कहा किसी को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में दो विकल्प थे, पहला था बीजेपी की सरकार का समर्थन, दूसरा था शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना। पवार बोले कांग्रेस के साथ अब जाने का मतलब नहीं था, लिहाजा बीजेपी के समर्थन का किया फैसला। अजीत पवार ने कहा बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा नहीं था, लेकिन हमने स्थिर सरकार के लिए बाहर से समर्थन का फैसला किया, समर्थन लेना न लेना बीजेपी जाने। जवाब का सवाल ही नहीं उठता ना, हमने बाहर से सपोर्ट दिया है। पवार साहब ने आज भी बताते हुए क्या बताया, उन्होंने हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम रहने वाले। बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है शिवसेना, अखंड महाराष्ट्र और विकास के मुद्दे के साथ ही सत्ता में भागीदारी की शर्त। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा अब कल जाएंगे मुंबई, पहले आज का तय था कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को है शिवसेना के फैसले का इंतजार, बिना शर्त समर्थन चाहती है बीजेपी। मुंबई में हो रही बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज नहीं चुना जाएगा नेता, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से घर जाकर मिले अमित शाह और जगदीश मुखी, महाराष्ट्र के ताजा समीकरण पर की चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सामना में शिवसेना की प्रतिक्रिया, किसी को नहीं मिला जनादेश। शिवसेना ने सामना में लिखा पीएम समेत पूरी सरकार ने लगा दी थी अपनी ताकत, शेर की तरह किया मुकाबला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक सांसद थे महाराष्ट्र में खूंटा गाड़े, कांग्रेस और एनसीपी भी थे खिलाफ। अकेले अपने दम पर लड़ी शिवसेना, जिस तरह का नतीजा शिवसेना को जनता ने दिया है वो सम्मानजनक। गठबंधन टूटने को लेकर सामना में जिक्र, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को बड़ा फायदा, गठबंधन होता तो 25 तक नहीं पहुंच पाती कांग्रेस एनसीपी। बीजेपी में कई सीएम पद के दावेदार, पंकजा मुंडे और एकनाथ खड़से खुलेआम जता चुके हैं सीएम पद की इच्छा। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चर्चित नाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का, इन्हें संघ का समर्थन भी हासिल। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी रेस में आगे, सियासी विरासत के साथ पिछड़े वर्ग का चेहरा। मुख्यमंत्री पद के लिए विनोद तावड़े का नाम भी है सुर्खियों में, बीजेपी के शहरी चेहरे के रूप में पहचान। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक, प्रधानमंत्री भी थे शामिल, नतीजों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक करनाल से विधानसभा चुनाव जीते मनोहर लाल खट्टर होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, अमित शाह गडकरी जगदीश मुखी ने चर्चा कर लिया फैसला, शाह ने कल खट्टर को बुलवा भेजा था। हरियाणा में विधायक दल की बैठक से पहले छिड़ा सीएम पद का झगड़ा, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह ने जताई सीएम पद की इच्छा। वीरेंद्र सिंह ने कहा सीएम पद की उम्मीद करने में हर्ज कैसा, बोले बीजेपी स्थायित्व चाहती होगी तो सोच समझ कर करेगी फैसला। बात यह है कि उम्मीद तो हर आदमी को करनी चाहिए जो राजनीति में है, लेकिन ये फैसले आपको भी पता हमारे को भी पता, जो सेंट्रल लीडरशिप होती है वो नेतृत्व करता है। वीरेंद्र सिंह की पत्नी और उचाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली प्रेमलता ने भी किया पति का समर्थन, कहा वीरेंद्र को मिला सीएम का मौका,
तो एक सेकंड में खाली कर देंगे उचाना की सीट। बीजेपी नेता और रक्षा राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह के घर जुटे हरियाणा के कई विधायक। इंद्रजीत ने जीत में खुद के रोल को बताया अहम, कहा स्टार प्रचारकों में था शुमार। इंद्रजीत सिंह ने कहा करीब 25 सीटों पर किया प्रचार, ज्यादातर सीटें जीती बीजेपी। बोले कई लोगों ने कहा मैंने किया दौरा इसलिए वो जीते। वो भी ये चाहते हैं कि विकास जैसे रोहतक के अंदर हुआ है सो हमारे यहाँ पर भी हो, और इसी सूरत के अंदर शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व के तौर पे वो फैसला करेंगे और एमएलए से पूछताछ करने के उपरांत। हरियाणा के सीएम उम्मीदवारी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा जाति के आधार पर नहीं बटी है बीजेपी, संसदीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। ये हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी जो आइडियोलॉजी और हमारा जो स्पष्ट कहना ये है कि हम किसी जाति पाति विश्वास नहीं रखते। पूर्व की सब पार्टियों ने हरियाणा की जनता को जातियों में बांट के रखा है। सामना के संपादकीय पर बीजेपी का जवाब, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हारने के लिए नहीं लड़ रहे थे चुनाव, चुनाव जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने में हर चीज कहता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिर दोहराया, कहा नहीं हूं महाराष्ट्र के सीएम की रेस में, दिल्ली के कामकाज से हूं संतुष्ट। मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। जनार्दन द्विवेदी बोले बैठक में हार पर नहीं हुई चर्चा, कहा पहले से तय था पार्टी का प्राधिकरण का चर्चा का मुद्दा। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने फिर की मांग, बिहार को जल्द मिले विशेष राज्य का दर्जा, मांग को लेकर गांधी मैदान पर महाधरने पर बैठे नीतीश। बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा अगले साल विधानसभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे को जेडीयू बनाएगी मुद्दा। नीतीश कुमार ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा हरियाणा महाराष्ट्र की जीत पर ना करे गुमान, 1994 में राजीव गांधी ने 400 सीटें जीती थी, बाद में क्या हुआ। हाँ विकास कार्यों में राज्य सरकार अटका रही है रोड़ा, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को भेजी एडवाइजरी, त्योहार पर सावधान, कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का रहता है खतरा। एडवाइजरी में दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और बड़ोदरा को किया गया खास सावधान। कोलकाता के मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब ने खुद को दिवालिया घोषित किया, देश के सबसे पुराने स्पोर्टिंग क्लब में शुमार है मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब। 1891 में बना था मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब, पिछले 3 महीने से कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था वेतन। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टरों को बांटी डिग्री। मोदी ने कहा दीक्षांत समारोह संस्थान की दीक्षा का होता है आखिरी मौका, बोले तरक्की के बाद गरीबों के साथ वक्त बिताने और दूर दराज इलाकों में सेवार्थ जाने को जरूर सोचें। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को दिया सुझाव, कहा बीमारी से नहीं बीमार से जुड़े तो दोनों का होगा भला। पीएम ने कहा दुनिया में क्या हो रहा है इस पर भी रखें नजर, बोले विदेशों में और साइंस पर हो रही है रिसर्च, आभा मंडल से बीमारियों का पता लगाने की कोशिश। एम्स में डॉक्टरों ने पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को सराहा, कहा स्वच्छ रहने के से कम घिरेगी बीमारियां। दौलाकुआ गैंगरेप केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने गैंगरेप के सभी दोषियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। दोषियों के वकील ने कहा अदालत के फैसले का करता हूं सम्मान, लेकिन फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। 24 नवंबर 2010 को दिल्ली में हुई थी वारदात, 5 लोगों ने कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की को अगवा कर किया था गैंगरेप। 14 अक्टूबर को द्वारका कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
यूपी के फिरोजाबाद में हुआ भीषण कार हादसा, दिल्ली में रहने वाले दंपत्ति की मौत, चार बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में NH2 पर एक खड़े ट्रक से टकरा गई थी कार, मौके पर हुई थी दंपत्ति सुनील और शिल्पी की मौत। पंजाब के लुधियाना में 33 साल की महिला पर 14 साल के नाबालिग के शोषण करने का आरोप, पुलिस ने महिला और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया केस। नाबालिग के शोषण के तीनों आरोपी फरार, पुलिस को महिला के कंप्यूटर में मिली कई नाबालिग से शारीरिक संबंधों की वीडियो क्लिप। महिला ने फ्री ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग को बुलाया, नशे की दवा देकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो क्लिप, फिर किया ब्लैकमेल। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में दो सिपाहियों पर भीड़ ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। शराब पीते लोगों से पूछताछ करने गए थे मनदीप और सतेंद्र, लोगों ने डंडों और पत्थरों से किया हमला। यहाँ पर कुछ शराबी लोग शराब पी रहे थे, दो चार लोग थे और दो पुलिस वाले आए, उन्हें रोकने की कोशिश की और पुलिस वालों को रोकते ही उन लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के जाकिर नगर से मिली प्रॉपर्टी डीलर की लाश, सिर से के पिछले हिस्से पर चोट के निशान। घरवालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पड़ा था शव। नोएडा में मोबाइल फोन ने दो बाइक सवारों की ली जान, डंपर ने मारी टक्कर, सुन नहीं रहे थे किसी की आवाज। मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए नोएडा में अभियान, सेक्टर 27 के अट्टा गांव में छापेमारी। खाद्य विभाग की छापेमारी में पकड़ा गया एक दुकान से नकली मावा, जांच के लिए भेजे गए घी और वनस्पति के सैंपल। गाजियाबाद में CNG पंप सील होने के बाद बड़ी मुश्किल, ऑटो चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी। GDA ने गाजियाबाद के 6 CNG पंप को कर दिया है सील, बिना नक्शा पास कराए चलाने का आरोप।